Morning students, today we are doing chapter number 15, visualizing solid shapes. First exercise 15.1, identify the nets which can be used to make cubes. Cut out copies of the nets and try it. देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको जो शेप गिवन है, जो नेट्स गिवन है, आपको ऐसे ही कट करने हैं और फिर उनको मिला के आपको चेक करना है कि क्या उनसे एक क्यूब बन सकता है. देखिए फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन इज दिस. अब इससे हमें चेक करना है कि क्या इसको अगर हम ज्वाइन करें स्क्वायर्स को तो इनसे हमारा क्यूब बनता है कि नहीं बनता है. देखिए अगर हमारा ये है सपोज, तो देखिए इससे हमारा क्यूब नहीं बन रहा है, एक साइड डबल हो जा रही है और एक साइड जो है और एक साइड छूट जा रही है, यानी कि ये वाली साइड डबल हो जा रही है और ये साइड छूट जा रही है. तो देखिए इससे हमारा क्यूब नहीं बन सकता है. अब देखिए सेकंड, तो इसके आंसर में आएगा नो. आपको इस तरीके से सबको सब टाइप के शेप्स को इसको कट करना है इस तरीके से, और ये अगर ये स्क्वायर पेपर से करें तो और ज़्यादा ईजी रहेगा. देखिए और इसको फिर आपको ऐसे ही करके अपनी नोटबुक में पेस्ट कर देना है. पहले आपको चेक करना है येस एंड नो और फिर उसके बाद उसमें पेस्ट कर देना है नोटबुक में और वहां पे लिख देना है नो. अब देखिए ये वाला सेकंड वाला, देखिए सेकंड वाला कुछ ये है. अब देखिए इसमें चेक करते हैं कि क्या ये क्यूब बन रहा है कि नहीं बन रहा है. ये देखिए ये पूरा ज्वाइन हो गया है, तो इस तरीके से ये एक क्यूब बन रहा है. ये देखिएगा अभी मैंने इसके कॉर्नर्स को पेस्ट नहीं किया इसलिए इस तरीके का बन रहा है, लेकिन ये परफेक्ट क्यूब बन रहा है. तो इसके आंसर में आएगा यस. तो ये आप इसको पहले चेक कर लेंगे और उसके बाद नोटबुक पेस्ट करके इस तरीके से आप उसे पेस्ट कर लेंगे और वहां पर लिखेंगे आप यस. तो इसी तरीके से आपको बाकी सबको भी कट करना है और चेक करना है कि क्या इनसे हम एक क्यूब बना सकते हैं. सेकंड क्वेश्चन, डाइस आर क्यूब्स विद डॉट्स ऑन ईच फेस. आपने देखा होगा डाइस, सब जानते हैं क्या होता है, उसमें आपने देखा होगा उसमें डॉट्स बने रहते हैं जिनको हम नंबरिंग काउंट करते हैं 1, 2, 3, 1, 2, 6 इस तरीके से नंबरिंग रहती है. तो ये डॉट्स बने रहते हैं. तो कभी किसी ने नोटिस किया है कि जो अपोजिट साइड्स होते हैं, जो डाइस के अपोजिट साइड है सिर्फ 5 है, तो उसके जस्ट पीछे जो साइड होगा, ठीक है, तो वो जो होगा वो होगा 2. क्योंकि कभी किसी ने नोटिस किया हो तो ध्यान में हो कि डाइस होते हैं उसके अपोजिट साइड्स की जो नंबर्स होते हैं उनका सम हमेशा 7 रहता है. अगर टॉप में आपका हमारा 6 आता है, अगर डाइस के टॉप में हमारा 6 आ रहा है, इट मीन्स उसके बॉटम में 1 नंबर होगा. आप लोग सब डाइस से चेक करिएगा तो आपको समझ आएगा. अपोजिट फेसेस ऑफ अ डाइस ऑलवेज हैव अ टोटल ऑफ 7 डॉट्स ऑन देम. हेयर आर टू नेट्स टू मेक डाइस. द नंबर इंसर्टेड इन ईच स्क्वायर इंडिकेट द नंबर ऑफ डॉट्स इन द इन दैट बॉक्स. देखिए ये है कि अगर आपका स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, पहले आपको क्या करना है कि ऐसे ही आपको सॉरी क्यूब अभी आपको ऐसे ही नेट बना के एक क्यूब बनाना है और उसमें जो नंबरिंग लिखी है, पहले से आप नंबरिंग लिखे रहेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको इनको जो आपके ये हैं ब्लैंक कॉलम्स हैं इनको आपको फिल करना है. जैसे 4 है तो 4 के जस्ट अपोजिट जो कॉलम आएगा उसमें नंबर होगा 3 क्योंकि उनका सम होता है 7. और 5 के जो जस्ट अपोजिट जो कॉलम आएगा इनमें से उसमें होगा 2 तभी उनका सम हो पाएगा 7. तो इस तरीके से हमें चेक करना है इनको. आपको पहले आपको ड्रॉ करना है ऐसे ही, आपको इसी तरीके से आपको पहले इनको बनाना है और बनाने के बाद इन फेसेस पे आपको नंबर्स लिखने हैं, जैसे 4, 5 जो भी नंबर्स हैं, और हम चेक करेंगे 4 है तो उसके जस्ट अपोजिट जो होगा वो होगा 3. इस तरीके से आपको इन ब्लैंक कॉलम्स को फिल करना है. नाउ थर्ड क्वेश्चन, कैन दिस बी अ नेट फॉर अ डाई, एक्सप्लेन योर आंसर. तो कह रहे हैं कि क्या जो ये आपको गिवन है, जो नेट आपको गिवन है, तो क्या ये एक डाई बनाता है, ये आपको देखना है. तो
तो इसके लिए भी सेम पहले आपको इसी तरीके का नेट बनाना पड़ेगा, उसमें नंबरिंग करनी पड़ेगी, और नंबरिंग करने के बाद आपको चेक करना पड़ेगा कि इसमें नंबरिंग ऑलरेडी गिवन है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि अपोजिट साइड्स का सम 7 है कि नहीं। अगर 7 है तो इट मीन्स वो एक डाई है, अदरवाइज अगर किसी एक में भी अगर रॉन्ग आता है तो वो डाइस नहीं होगा, तो ये आपको चेक करना है। और ये इस तरीके से बनाने के बाद ही आप सारे क्वेश्चंस को इस तरीके से पहले आप बनाएंगे क्यूब और तभी आप चेक कर पाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन भी सेम है। फोर्थ क्वेश्चन में ये आपको एक यहाँ पर आपको 2-3 बॉक्सेस गिवन है, आपको कोई भी कोई भी आपको क्यूब ड्रॉ करना है, बनाना है, और उसमें आपको अलग अलग तरीके से बनाना है, दो अलग अलग तरीके से बनाना है, और ये ज़्यादा इजी रहेगा अगर आप इसमें स्क्वायर शीट का यूज़ करें। स्क्वायर शीट जो हम प्राइमरी प्राइमरी क्लासेस में मैथ्स के लिए हम यूज़ करते थे, नोटबुक देखा होगा आपने, कॉलम से बने रहते थे, रोज एंड कॉलम से बने रहते थे, वो हमारी स्क्वायर शीट होती है। तो अगर उस तरीके की स्क्वायर शीट का अगर आप यूज़ करें तो बहुत ईजी हो जाएगा इस तरीके के नेट्स ड्रॉ करने में। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, मेज द नेट्स विथ अप्रोप्रिएट सॉलिड। अब आपको इनको सॉलिड के साथ अप्रोप्रिएट कर, मतलब इसको आपको मैच देम करना है, जो भी सॉलिड आपको लग रहा है कि उसके अप्रोक्स है उससे आपको, देखिए ये है क्यूब और क्यूब जो है इससे मिलके बना होगा इस टाइप के नेट से, तो ये इसको इसके साथ मैच करना है। सिलेंडर, सिलेंडर जो है उस टाइप के नेट से मिलके बना होगा, कोल एंड दिस। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 15.2, यूज आइसोमेट्रिक डॉट पेपर एंड मेक द आइसोमेट्रिक स्केच फॉर ईच ऑफ द गिवन शेप। अब देखिए आइसोमेट्रिक डॉट पेपर क्या है, एक ऐसा पेपर जिसमें पूरे पेपर में डॉट 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 बने रहते हैं, उस टाइप के पेपर्स लाइक दिस, ये डायग्राम नहीं होगा, पूरे पेपर में इस तरीके से डॉट बने रहेंगे, तो उसको हम आइसोमेट्रिक डॉट पेपर बोलते हैं। और ये पेपर आपको मिल सकता है जो लैब मैनुअल है उसमें भी आते हैं, और कुछ प्रैक्टिकल नोटबुक या वो जो कंप्यूटर की नोटबुक है, इस टाइप के जो मतलब प्रैक्टिकल वर्क जो है उसकी नोटबुक में आपको ऐसे डॉट पेपर्स मिल सकते हैं, और या आप मार्केट से भी इसको परचेज कर सकते हो, 1-2 पेजेस वो हमारे इनफ है हमारे एक्सरसाइज करने के लिए, तो आप उनको भी परचेज कर सकते हैं पेपर्स को। तो देखिए आपको क्या करना है, यूज आइसोमेट्रिक डॉट पेपर्स एंड मेक द आइसोमेट्रिक स्केच फॉर ईच ईच वन ऑफ द गिवन शेप। ये आपको शेप ऑलरेडी गिवन है, इन शेप्स को आपको आइसोमेट्रिक डॉट पेपर में बनाना है लाइक दिस। इस तरीके से आपको डॉट पेपर्स में ये जो लाइनिंग वाला स्क्वायर पेपर है वो नहीं होगा, इस तरीके से डॉट्स को आपको मैच करके ये शेप को ड्रॉ करना है आइसोमेट्रिक डॉट पेपर में लाइक दिस। तो ये पेपर में ही हो पाएगा, आप पेपर को या तो परचेज कर लीजिए या आपको लैब मैनुअल वगैरह में मिल जाएगा। तो इन सारे फर्स्ट क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से उस पेपर में ड्रॉ करना है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, द डायमेंशन ऑफ अ क्यूबॉइड आर 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। ड्रॉ 3 डिफरेंट आइसोमेट्रिक स्केच फॉर द ऑफ द क्यूबॉइड। सेम क्वेश्चन है, इसको भी आपको आइसोमेट्रिक डॉट पेपर में ही आपको ड्रॉ करना है, और उसकी लेंथ गिवन है, यानी कि आपको 5 डॉट्स का यूज करना है, लेंथ ब्रेथ और हाइट। लेंथ के लिए 5, फिर 3 एंड 2, इस तरीके से इनको ड्रॉ करके आपको ये सेम प्रोसेस है, ऐसे ही आपको कुछ ड्रॉ करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम है, उसी तरीके से आपको ड्रॉ करना है, उसमें एक क्यूब ड्रॉ करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, मेक एन ऑब्लिक्यू स्केच फॉर ईच और ईच वन ऑफ द गिवन आइसोमेट्रिक शेप। अब ये आइसोमेट्रिक शेप आपको गिवन है, आपको इस तरीके का स्क्वायर पेपर वाला शेप आपको ड्रॉ करना है इसमें, ठीक है। तो इसमें ये आपको स्केच गिवन है आइसोमेट्रिक शेप्स, और आपको इसको इस तरीके के शेप में, यानी कि आपको जो स्क्वायर पेपर का यूज करते हैं इस तरीके की शेप में आपको उसको चेंज करना है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में भी सेम है, उसमें भी आपको अलग टाइप के डायमेंशन गिवन है क्यूब क्यूब और क्यूबॉइड के, और उसको आपको दोनों स्केच बनाने, ऑब्लिक्यू स्केच बनाना है एंड आइसोमेट्रिक स्केच बनाना है, और एक बनेगा स्क्वायर पेपर में और एक बनेगा डॉट पेपर में, तो आइसोमेट्रिक डॉट पेपर। तो इस तरीके से आपको दोनों को ड्रॉ करना है, और लेंथ आपको गिवन है, उस लेंथ ब्रेथ हाइट इसमें और इसमें लेंथ गिवन है, तो इसी तरीके के इन्हीं को लेते हुए आप ड्रॉ करेंगे।
ये पूरी एक्सरसाइज, दोनों एक्सरसाइज जो है प्रैक्टिकल बेस्ड है, प्रैक्टिस पे बेस्ड है, और इसको आपको खुद से ड्रॉ करना है, आपको ऐसे पेपर्स का यूज़ करना है, तब ये बन पाएगा। तो इसे आप अपनी नोटबुक में करिएगा। थैंक यू।